प्लस थ्री सेकेंड सेमिस्टर रो समस्त छात्र एवं छात्री माने प्लस थ्री द्वितीय सेमिस्टर रो छात्र छात्री माने आज आम पढ़ा एथिक्स वैल्यू एथिक्स वैल्यू रो लगातार भाव क्लास चली। पूर्व क्लास रे आम दस टी दुई नंबरिया प्रश्न को पढ़ी तो आज आम एगार नंबर ठारु आरंभ कर किसी दुई नंबरिया प्रश्न को पढ़ा एथिक्स वैल्यू रो कंपलसरी सब्जेक्ट एटा आर्ट साइंस कॉमर्स पिला समस्त सब्जेक्ट टी अच्छी पिला माने तो जीवा डेरी न करी क्लास टी को स्टार्ट करी न बा कौन रही। प्रथम प्रश्न प्रस्तावना रे वर्णित राष्ट्र गुड़िकर प्रकृति लेखिबा प्रस्तावना रे वर्णित राष्ट्र गुड़िकर प्रकृति लेख डिस्क्राइब द नेचर ऑफ स्टेट आज पर प्रियम्बुल संविधान रो प्रस्तावना रे राष्ट्र रो प्रकृति संबंधे उल्लेख कराय संविधान रो जो हमर प्रस्तावना रही राष्ट्र रो प्रकृति संबंध रो उल्लेख करा जाय छी। प्रस्तावना रे भारत के एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक साधारणतंत्र राष्ट्र रूपे घोषणा कराय छी कोन ना सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हाँ धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक साधारणतंत्र राष्ट्र रूपे घोषणा करा जाय छी। ओके द्वितीय प्रश्न व्हाट इज सोवरेन स्टेट सोवरेन स्टेट सार्वभौम राष्ट्र कौन पिला माने सार्वभौम राष्ट्र कौन ना प्रस्तावना रे भारत को एक सार्वभौम राष्ट्र भावे प्रतिपादित करा जाय छी प्रस्तावना रे भारत को एक सार्वभौम राष्ट्र भावे प्रतिपादित करा जाय छी। भारत स्वाधीनता हबा परे यहा एक सार्वभौम राष्ट्र रे परिणत होई छी भारत स्वाधीन हबा परे यहा एक सार्वभौम राष्ट्र रूपे परिणत होई छी यहा उभय आभ्यंतरण और बही व्यापार रो क्षेत्र रे स्वयंचालित स्वयं संपूर्ण स्वाधीन यहा उभय आभ्यंतरण भितर बाह्य माने बही माने कोन बाह्य व्यापार क्षेत्र रे स्वयंचालित एवं स्वयं संपूर्ण स्वाधीन कौनसी वैदेशिक व्यक्ति भारत शासन क्षेत्र में हस्तक्षेप करना कौन सी वैदेशिक व्यक्ति बाहर व्यक्ति भारत शासन क्षेत्र में हस्तक्षेप करना। परवर्ती प्रश्न समाजवादी राष्ट्र भाव भारत को वर्णना कर डिस्क्राइब इंडिया जे सोशियोटिस्ट स्टेट समाजवादी राष्ट्र समाजवाद शब्दटी संविधान रो मूल प्रस्तावना रे नथिला आम संविधान रो मूल प्रस्तावना रे समाजवादी नथिला 1976 मसिया रे होइतिबा 42तम संशोधन आईन द्वारा 1976 मसिया रे होइतिबा 42तम संविधान संशोधन आईन द्वारा यह प्रस्तावना रे जोगा करा जाय छी कोन जोगा करा जायतिला ना ए जो समाजवादी शब्दटी को भारत रे गणतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था भारत रे गणतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था प्रवर्तन कराजिबा लक्ष्य धार्य होईचि जमीदार उच्छेद बैंक जातिकरण दारिद्र दूरीकरण योजना प्रणयन रु भारत रे समाजवादी व्यवस्थार आभास मिले हमको भारत रे समाजवादी व्यवस्थार आभास ताको मिले। परवर्ती प्रश्न भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भाव वर्णना कर भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भाव वर्णना करवा प्रस्तावना रे भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भाव वर्णना करमर जो प्रस्तावना रही प्रस्तावना रे भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रूपे वर्णना करमनिरपेक्ष राष्ट्र रूप आम वर्णना करमनिरपेक्ष मान कौन ना जेहेतु भारत रे विभिन्न धर्म लोक मैंने रोचा जमी हिंदू होगला मुसलिम होगला ख्रीस्टियन होगला जैन होगला बौद्ध होगला जेहेतु अनेक धर्म लोक मैंने भारत में बसवास किंतु प्रत्येक लोक निज निज धर्म प्रसार करने प्रचार करने अधिकार मिली तो से भारत को एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र रूपे अभिहित करवर्ती प्रश्न को जीवा भारत को एक गणतांत्रिक राष्ट्र रूपे वर्णना कर हमें भारत को एक गणतांत्रिक राष्ट्र रूपे वर्णना करवा डिस्क्राइब इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक स्टेट भारत एक गणतांत्रिक राष्ट्र
भारत रे सार्वजनिक साबालक भोट प्रथा प्रचलित। भारत हूँ एक गणतांत्रिक राष्ट्र। भारत रे सार्वजनिक साबालक भोट प्रथा प्रचलित। भारत रे संसद विधानसभा सभ्य माने भोट माध्यम रे लोक मानक द्वारा निर्वाचित होता। भोट द्वारा जेतु भारत रे आम संसद प्रत्येक नेता आमर जो MLA MP रहिले तो आम समस्ते भोट द्वारा जेहेतु आम निर्वाचित करू तो भारत नागरिक माने अनेक प्रकार मौलिक स्वीकार उपभोग जेहेतु भारत प्रत्येक नागरिक पाखे हक रही से निजर भोट द्वारा सरकार को भी परिवर्तन कर सरकार को हलैपर से भारत को एक गणतांत्रिक राष्ट्र कह क्या भारत में गणतंत्र रही जनतार मत को सम्मान मिली विरोधी दल को सम्मान मिली। परवर्ती प्रश्न को जी 17-16 नंबर प्रश्न एथिक्स वैल्यू जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप जॉइन है ना टेलीग्राम में सर्च कर न सर्च नक अपेक्षा डिस्क्रिप्शन लिंक दिखाई जॉइन हो। भारत को एक साधारणतंत्र भाव वर्णना कर ना भारत एक साधारणतंत्र राष्ट्र। भारत हूँ एक साधारणतंत्र राष्ट्र। भारत राष्ट्र मुख्य हूँ राष्ट्रपति। आम भारत राष्ट्र मुख्य किए ना राष्ट्रपति से जड़े निर्वाचित जनप्रतिनिधि राष्ट्रपति निर्वाचित होता परोक्ष भाव में संसद और राज्य विधानसभा निर्वाचित सदस्य मानक द्वारा निर्वाचित होता। ग्रेट ब्रिटेन राणी पर वंशानुक्रमे नीति नुहे राष्ट्रपति से परोक्ष भाव में निर्वाचित होता ये नुह कि ग्रेट ब्रिटेन राणी पर वंशानुगुण नुहे तमर आमर ये जनतार मत को सम्मान मिली अच्छी। प्रस्तावनार मूल्यायन कर इवालुएटेड द प्रीएम्बल। भारत संविधान प्रस्तावना को अनेक संविधान व्याख्याकारी विशेषज्ञ प्रशंसा करिछंती अनेक संविधान व्याख्याकारी प्रशंसा करिछंती पंडित ठाकुरवास बागर कहिछंती प्रस्तावना संविधान सबुठ मूल्यवान अंश। ये प्रस्तावना रही संविधान सबुठ मूल्यवान अंश यह संविधान आत्मा स्वरूप ये हूँ संविधान आत्मा स्वरूप। वास्तव दृष्टिकोण रु विचार कले प्रस्तावना संविधान एक दर्पण। प्रस्तावना हूँ आम संविधान एक दर्पण जहाद्वारा संविधान मौलिक नीति आदर्श और व्यवस्थार छवि दृष्टिगोचर होता है। दीर्घतम लिखित संविधान भाव भारत को चित्रण कर। भारत संविधान पृथ्वीर सर्वपेक्षा दीर्घतम लिखित संविधान। लिखित मान लिखित आकार मूल संविधान या 395 धारा अनेक उपधारा 8 सूची 22 भाग थिला एथिरे 216 मसिया सुधा 126 रु अधिक थर संशोधित होईछि। ए संशोधन फलरे मूल संविधान अनेक धारा कुटी दिया जायछि केतक नुआ धारा नुआ अनुसूची जोग करा जायछि। संसदीय शासन व्यवस्था ना भारत संविधान उभय केन्द्र और राज्य स्तर रे संसदीय शासन व्यवस्था प्रचलन करियछि। केन्द्र स्तर रे गोटे केन्द्र व्यवस्थिका अछि या को संसद बोली कह जाए या दुई सदन विशिष्ट जथा लोकसभा राज्यसभा। निम्न सदन रे निरकुंश संख्यागरिष्ठता दलर नेता प्रधानमंत्री पद अलंकृत करती तांको नेतृत्व रे मंत्रिमंडल गढ़ा जाए। तो आम आज 19 नंबर जाके प्रश्न को पढ़िले +3 सेकेंड सेमिस्टर एथिक्स वैल्यू प्रश्न। चैनल को जदि नुआ आसे सब्सक्राइब करेंगे नसले नोटिफिकेशन अल्ल करदे आम टेलीग्राम जॉइन हो जातु डिस्क्रिप्शन लिंक दिखाई परीक्षा मात्र अल्प दिन आउ मात्र हाथ गणित कईटा दिन फल परीक्षा किसी कलेज परीक्षा सरला तो तुम मैंने जहाँ सरनी प्रिपेरेसन कर। धन्यवाद पे जय हिंद।